शब्दों का रेपुटेशन स्मरण नहीं होता। सुवर्ण वो जो तुम्हें बाष्पीभूत करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठोसत्व को समाप्त करते हैं, और पशुता में और मानवता में फिर फर्क करा। बस ये इसी बात का दर्शन करता है कि तुम अभी पशुता के लेवल से ऊंचे उठे नहीं। पशु भी अभी पाश में है और तुम भी मानस के जामे में आ गए, तुम भी अभी पाश में हो। सुजीत अंजुम, कैसे पता चले कि हम सत्संग करके आए हैं, क्या लक्षण है? सत्संग करके आने के बाद के लक्षण क्या हैं? बड़ा मजेदार सवाल है। सुजीत अंजुम, होगा बहुत शदीद तमाजत का इंतजाम। जब सूरज की घनी धूप, दोपहरी का वक्त आतताई बनकर आग बखेरने लगेगी, अपना बदला लेगी, होगा बहुत शदीद तमाजत का इंतजाम, इंतकाम। साये से मिलके रोएगी, दीवार देखना, तेज धूप जब सूरज की निकलेगी, दीवार तपेगी, आग बरसाएगा सूरज, तो क्या पता चलेगा? जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा साया उसके ऊपर पड़ेगा तो दीवार रोएगी। साये से मिलके रोएगी, दीवार देखना। क्यों रोएगी? क्योंकि उस साये से उसको ठंडक मिलेगी। तुम जब जाओगे दीवार के पास तो सूरज की धूप तुम पर पड़ेगी और तुम्हारी छाया पड़ेगी दीवार पर, और दीवार को बड़ा सुकून मिलेगा। बस यही लक्षण है सत्संग का। जब कभी सत्संग में जाओ और भाव विह्वल हो जाओ, वहां बैठे बैठे आंखों में अश्रुओं की कतार लग जाए, जड़ी लग जाए, हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए रोवा रोवा, रोना रोके शुरू के ना, तुम ठोस से तरल में और तरल से वाष्प में तब्दील हो जाओ। साये से मिलके रोएगी, दीवार देखना। संसार के दुखों ने तुम्हें बड़ा प्रताड़ित किया, संसार के दुखों ने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, दुखी दोनों हैं। साये से मिलके रोई की दीवार देखना, सत्संग वो और सत्संग करने वाला वो जिसके पास जाकर
जिसके अल्फाज आपके दिल की अंतरंग तलों को छू लें और आप फफक के रो पड़ो। ध्यान रखना, आप हर घड़ी ठोस हो और वह ठोसत्व तुम्हारे अहंकार के कारण है। तुम रोज रोज ठोस होते चले जाते हो और दृढ़ और दृढ़, और यह दृढ़ता ही तुम्हारे दुख का कारण है। सत्संग वो जो तुम्हारी दृढ़ता को पिघला दे, जो तुम्हें वाष्पीभूत कर ले, जो तुम्हें तरल बना दे, जो तुम्हें सहज बना दे, तो समझो सत्संग हुआ। तुम पिघल जाओ, तुम आसमान में वाष्प बन के उड़ जाओ, तुम ठोस ना रहो, तुम वहीं के वहीं बैठे ना रहो। सत्संग में होके आए और तुमसे कोई पूछे, कैसे पता चले कि तुम किसी उपवन में से होके आए हो या किसी गंध बेचने वाले, इत्र बेचने वाले के पास से बैठ के आए हो? तो बस यही जवाब है। अगर गंधी के पास बैठोगे तो संगत की रंगत चढ़ेगी, कुछ खरीदोगे नहीं तो उसकी महक जरूर लेके आओगे, तुम्हारे वस्त्रों में छा जाएगी, घुल जाएगी उसकी महक। गुलशन में जाओगे, वहां का सुगंधित वातावरण तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी लग जाएगा। तुम आनंद उठा के आए हो, तुम उस सुगंधित वायु को सूंघ कर आए हो, तुम उस उल्लास पूर्वक क्षणों में समय बिता के आए हो, मैं तुम्हारा चेहरा मोहरा बता देगा। अक्सर तुम कुछ वाक्यों को इकट्ठा करने को, सूचनाओं के इकट्ठा करने को सत्संग समझ लेते हो, वह सत्संग नहीं है, वह तो एक विज्ञान है। और विज्ञान सिखाया करते हैं शिक्षक, आचार्य। बस आधुनिक जीवन में ये शिक्षक ही तुम्हें सत्संगी मालूम पड़ते हैं। एक आचार्य का शिष्य मेरे से संपर्क किए, मुझे बोले कि बड़ी घुंडियां खुल जाती हैं। मैंने कहा, आपकी घुंडियां खुल गईं? कहता, हां बहुत गुंडियां खुल गई। मैंने कहा, क्या गुंडियां खुल गई? मुझे पता चल गया, मैं अजर अमर आत्मा, कटता नहीं, छिलता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं, भीगता नहीं। ठीक, तो खोपड़ी को पता चला या तुम्हें पता चला? तो वह अवाक रह गया। खोपड़ी को पता चला या तुम्हें पता चला? मुझे ही पता चला। हाँ भाई, तो मैं पूछता हूं कि खोपड़ी को पता चला या तुम्हें पता चला? तो इस दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है, अगर खोपड़ी को पता चला तो तुम कुछ सूचनाओं को लेकर घर वापस आ जाओगे,
वो सूचनाएं चाहे विज्ञान की हों चाहे अष्टावक्र की, वो सूचना ही चाहे साइंस की हो चाहे हिस्ट्री की हो या कृष्ण की गीता की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे न्यूरॉन्स में कुछ भर दिया गया, वह गीता से आया, यह वह हिस्ट्री से आया, यह वह विज्ञान से आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हारे न्यूरॉन्स भरे तो फिर बाबा, बस मैं यही तो पूछ रहा था। तरल हुए कभी आचार्य के सत्संग में जाकर पिघले, द्रवित हुए कभी सॉलिडिटी लिक्विडिटी में या गैस में परिवर्तित हुई, कभी आंखों से आंसू आए, या सिर्फ कुछ नियम और सिद्धांत जीवन जीने के और कुछ शास्त्रों से सीखे हुए शब्द खोपड़ी में लपेट कर आ गया? ऐसा ही कुछ होता है। और जो जितना ज्यादा साहित्य का सर्जन कर जाता है उतना ही बड़ा विद्वान समझा जाता है, जबकि विद्वत्ता साहित्य के सृजन करने में नहीं है। विद्वत्ता तो उस ज्ञान के भंडार के पास जाने में है, जहां जाकर तुम्हारी सब बेड़ियां खुल जाती हैं। रटंत से कुछ नहीं बनता और पढ़ंत से भी कुछ नहीं बनता और सिखंत से भी कुछ नहीं बनता। रटंत से कुछ नहीं बनता और पढ़ंत से कुछ नहीं बनता और सिखंत से कुछ नहीं बनता, तो बनता किस चीज से है? बनता है दृष्टांत से। तुमने देखा कुछ जो कहा आचार्य ने, नैनम छिदंति शस्त्राणि, क्या तुमने वो तत्व का आभास भी किया या सिर्फ खोपड़ी खोपड़ी में लपेट के आ गए? तो फिर एक काम तो कर पाओ आप, आचार्य तो काम के हो जाओगे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने वाले तो बन जाओगे। लेकिन याद रखना, गुरु कभी नहीं बन सको। गुरु की पहुंच बड़ी दूर है। अज्ञानी में और आचार्य में कोई फर्क नहीं होता, बस अज्ञानी को ये शब्द मालूम नहीं होते और आचार्य को ये भाषा मालूम होती है। वोकैबुलरी बहुत तेज होती है। आपने देखा होगा डिक्शनरी शब्दकोश, जितने शब्दकोश को शब्द पता है उतने आपको नहीं पता होगा, कितने भी विद्वान क्यों ना हो। और बहुधा आप उलझे होगे तो आपने डिक्शनरी में देखा होगा इस शब्द का अर्थ। तो फिर अगर यही विद्वत्ता है तो विद्वान डिक्शनरी हो ही जाओ। और अगर सूचना इंफॉर्मेशन ही व्यक्ति को प्रबुद्ध बनाती है तो फिर तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर जो सब पड़ा है सामग्री मटेरियल, तुम्हारे पास तो उसका 1% भी नहीं है, तो समझदार कौन हुआ? यही व्याख्याएं जो आप किसी के मुख से सुन लेते हो, इस शास्त्रों में कब से अंकित हैं? लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम जहां जाते हैं वहां से शब्दों को संग्रहित करके ही वापस आ जाते हैं। साए से मिलकर रोएंगी दीवार देखना।
जैसे कोई भरा पड़ा हो दुखों से गमों से, थोड़ा सा कुरेद दो उसका दुख आंसुओं की धारा बनकर बाहर बिखरता है। आपको पता चल जाता है कि भरा पड़ा था। दर्द सह नहीं पा रहा था, बस कुछ थोड़ा कुरेदन बाकी था, लेकिन आप कुरेते हैं, आचार्य कुरेते नहीं, आपके गुरुजन मार्गदर्शक कुरेते नहीं, बस उस पर तह जमा देते हैं, उस पर एक मुखौटा चढ़ा देते हैं कि अगर कहीं ये खुद रिस भी जाए तो इस रिसते हुए मवाद का पता न चले। और आपको सिखाते क्या है, वही कायरता की बात है। बताती क्या है, बल इकट्ठा कर लो, कोई नई बात है? क्या कर रहे हैं ये संसार के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति, क्या कर रहे हैं ये बिल गेट्स, क्या कर रहा है ये अंबानी अडानी, क्या कर रहा है? वही तो कुछ कर रहा है, बल ही तो एकत्रित कर रहा है। जिस बल में सबसे ज्यादा बल लगा नजर आया, वह बल इकट्ठा करना शुरू कर देता है। किसी को धन में बल लगा, किसी को बाहुबल में बल लगा, किसी को गद्दियों में बल लगा, किसी को पढ़ाई में बल लगा, डिग्रीज इकट्ठी करने में लग गया, धन इकट्ठा करने में लग गया, कोई पदवियों को इकट्ठा करने में लग गया। इकट्ठा करने को ही तुम बल कहते हो? एक बल और भी है, बल यानी धन। वो धन ऐसा धन कि इस धन को पाकर तो आपको सिर्फ सुख मिलेगा, थोड़ी देर के लिए, अखंड अक्षुण्ण आनंद नहीं मिलेगा। और आप आनंद और सुख को एक ही बात समझो, मैंने आपको बहुत बार समझाया कि सुख दैट इज ए स्टिमुलेशन ऑफ माइंड, मन की उत्तेजना है सुख, मन की उत्तेजना है दुख। मन की उत्तेजना नेगेटिविटी में चली जाती है तो दुख, और मन की उत्तेजना पॉजिटिव में आ जाती है तो सुख। लेकिन एक बल और भी है, वो बल है ना सुख में ना दुख में, लेकिन इन दोनों से पार, इन दोनों से पार। और इन दोनों से पार जाकर जो सुख मिलता है उसे आनंद कहते हैं। और उसका दूसरा पहलू नहीं होता, सुख का दूसरा पहलू होता है दुख, दुख का दूसरा पहलू होता है सुख, लेकिन आनंद का दूसरा पहलू नहीं होता। कुछ लोग कह देते हैं कि शांति नहीं, क्योंकि आनंद के विपरीत थोड़ा है शांति। दुख तो सुख से विपरीत है, दुख सुख से विपरीत है और सुख दुख से विपरीत। तो दो तो तभी हुए ना जब विपरीत, लेकिन आनंद की विपरीत शांति नहीं, शांति तो आनंद की छाया है। शांति और आनंद में कोई फर्क नहीं,
शांति तो ऐसे जैसे आनंद आया तो शांति उसके साथ ही आई, जैसे आपके साथ साथ आपका सहज चलता है वैसे ही आनंद के साथ साथ शांति चलेगी। और ध्यान रखना, सिर्फ शांति की खोज में मत चले जाना। अक्सर लोग मैंने कहते सुना कि हम शांति की तलाश में जा रहे हैं, शांति तो खुद ही मिल जाएगी, अंत समय चिर निद्रा में जब समा गए तो मरघट में जितनी शांति होती है उतनी शांति कहीं भी नहीं होती। वो शांति तो प्रकृति ही आपको दे देगी, उस शांति की तलाश मत करना, बस आप यही गलती खा जाते हो। तलाश करो आनंद के, मिश्री सी घुल जाए, शहद सा घुल जाए, रोवा रोवा पी ले उस गुड़ से शहद को और झूम उठे, मस्ती छा जाए। तुम पूछते हो सत्संग में जाके आए इसका लक्षण क्या है बाबा, जैसे तुम मुझे पूछो कि शराब पीने के बाद का लक्षण क्या है, तुम्हें मैं बता सकता हूं कि तुम बहकोगे, बोलोगे कुछ, निकलेगा कुछ, कहना कुछ चाहोगे, समझ कुछ आएगा, तारतम्य ना रहेगा। कुछ ऐसा मतवालापन, पाम इधर रखना चाहते हो पड़ेगा उधर, बस ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही सत्संग का स्वरूप है। जो मस्ती की खुमारी में तुम झूम झूम जाओगे, पता नहीं पाम कहां पड़े, यह कोई सीखी हुई कला नहीं है, यह नृत्य जो मीरा करती है यह कोई किसी का खरीदा हुआ नृत्य नहीं, यह तो भीतर से विस्फोट हुआ है, कुछ विस्फोट हुआ भीतर और उस विस्फोट की छाया है कि मीरा नाच के प्रकट करती है, नानक गा कर प्रकट करते हैं, बुद्ध मौन होके प्रकट करते हैं, महावीर मौन होके प्रकट करते हैं, कबीर मस्त होके प्रकट करते हैं। दूसरी कक्षा के व्यक्ति को अध्यापक सिखा रहा था गुणा तकसीम माइनस प्लस इसके फार्मूले का रहा था, तो जैसे ही सिखाने लगा छोटा बच्चा खड़ा हो गया, कहता मास्टर जी ये मत सिखाइए, ये तो वक्त की बर्बादी है, कुछ और सिखाइए। मतलब उसने जेब में हाथ मारा, कैलकुलेटर निकाल दिया, ये जो तुम मगज खपाई करोगे ना हमारे साथ, ये हमें आवश्यकता नहीं है, भविष्य में हमारी उंगलियां ही काफी हैं, अक्षरों को हम जानते हैं 1 2 3 4 5 और गुणा ये कर देगा, माइनस ये कर देगा, प्लस ये कर देगा, डिवाइडेशन ये कर देगा, फिर हम अपना दिमाग क्यों खपाएं। अगर कोई कहे कि आत्मा अमर है, अगर कोई कहे कि आत्मा अमर है, गीता के इस अध्याय के इस श्लोक में बोली गई,
तो उसे कहना हम गीता के श्लोक को पढ़ लेंगे, लेकिन आत्मा अमर है ये जानने की विधि तो बताओ। बस यही कमी है, यह बता नहीं सकेंगे। ये लोग दीज आर ओनली थ्योरेटिकल नॉट एक्सपेरिमेंटल। ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल ना ये खुद गए ना ये तुम्हें समझाएंगे। ये तो छोटी छोटी बात कायरों वाली जानते हैं, वही आपको मर देंगे। और किसी को किसी के ऊपर अपने मत को मरने का हक नहीं। शादी मत करो, क्यों ना करें। नानक बड़े हुए हैं, माता पिता ने कहा पुत्र अब तुम शादी के योग्य हुए हैं, तुम्हारी शादी कर दें। नानक बोले जैसी आपकी इच्छा। कुमारी चढ़ गई थी, आनंद में लीन थे, शादी करती गए। दो पुत्र भी हुए, उन्होंने बंधन तो कभी माना नहीं। जिनकी एक्सप्लेनेशन ये करते हैं कबीर की, लोई कभी बंधन उनके लिए बने नहीं। कमाल और कमाली उनके लिए कभी बंधन नहीं बने। तो फिर ऐसा क्या था जो कबीर सीख गए जो आचार्य नहीं सीख पाए। कुछ था, बस वही सीखने की आवश्यकता है। आचार्यों को भी वही सीखने की आवश्यकता है। खुद अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मारते नहीं, बस बांटने की जल्दी जल्दी हो गई, खेलने की जल्दी नहीं हुई। जैसे कली ने अपने भीतर खुशबू इकट्ठी ना की हो, अभी सुगंध का आगाज भी ना हुआ, अभी भीतर के रसातल से जमीन से खुशबू उठी ना हो, और जल्दबाजी में कली मुख खोल दे मैं तो बांटूंगी, क्या खाक बांटेगी। खुशबू पैदा ही नहीं हुई तो बांटोगी क्या। ऐसा ही आज संसार में चल रहा है। और तुम जिन्हें महापुरुष कहते हो, मात्र धन उपार्जन और व्यापार के अतिरिक्त तो और करते क्या है मुझे बताओ। कभी किसी संत ने त्याग तो किया, कपिल वस्तु को छोड़ा, सब त्याग कर दिया, नानक को 20 रुपए मिले, संतों को भोजन करा दिया। कबीर ने अपना खुद चदरिया बुनकर परिवार का पोषण किया। बुद्ध भरे भराए साम्राज्य को लात मार के आ गए। महावीर भरे भराए साम्राज्य को लात मार के चले गए। इसे कहते हैं त्याग, वास्तव में त्याग। त्याग शब्द का अर्थ करने से गीता में या अष्टावक्र में व्यक्ति त्यागी कहां होता है। त्याग का अर्थ भी तो आना चाहिए आपको। आपकी जिंदगियों में कोई तब्दीली आई। इन इंफॉर्मेशन के सिवा कि शादी एक बंधन है और एनलाइटनमेंट होता नहीं, तो फिर अगर एनलाइटनमेंट नहीं होता
तो रामकृष्ण परमहंस को दौरे पड़ते थे मृग के? वो किसी की खुमारी में मदहोश हो जाया करते थे। वो क्या था जो सुरूर बनकर उनके दिलो दिमाग पर चढ़ जाया करता था? ऐसा क्या था? लेकिन आप जाते भी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन के लिए हैं। आपकी आंतरिक इच्छा भी सिर्फ सूचनाओं को संग्रहित करने मात्र को ही है, इसलिए आपको ये सूचनाओं का संग्रह अच्छा लगेगा। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि सूचनाएं विज्ञान की किताबों से करो, हिस्ट्री की किताबों से करो कि शेरशाह सूरी कौन थे और औरंगजेब कौन थे, या गीता से करो या अष्टावक्र से करो या उपनिषद से करो या वेदांत से करो, किसी भी चीज से करो, मात्र सूचना ही तो सूचना ही और सूचना ही तो भरी पड़ी। जहां से आपने पढ़कर व्याख्यान किया और उसका संधि छेद कर दिया, पढ़ा तो उसमें से, लेकिन संधि छेद करने के योग्य हुए, तो बात तो ये देखने वाली है। संधि छेद करने के योग्य हुए, अगर हुए तो आपको बांटने का अधिकार है। उस फूल को ही बांटने का अधिकार है जो कली बनकर यानी तप करके खुद अपने अंतस उतर गए। तप का मतलब एक टांग पे खड़ा होना नहीं होता, और तप का मतलब सिर के बल भी खड़ा होना नहीं होता। तप का मतलब होता है अपने भीतर उतर के, उस तल पर जाकर जो आपके अंतस में है, वहां जाकर आप पहले करेक्ट करते हो, बिल्कुल उस कली की तरह जैसे कली अपना मुखड़ा बंद रखती है और खुशबू को इकट्ठा करती है। और फिर जब इतनी खुशबू इकट्ठी हो जाती है, कली भर जाती है, रोवा रोवा सुगंधित हो जाता है और सुगंध इतनी हो जाती है कि कली मुख खोलती नहीं, उस सुगंध की पुशिंग इतनी हो जाती है कि उसका मुख खोलना पड़ता है उसे, और वह फूल हो जाती है। फूल बनने का प्रयास नहीं करती कली, सुगंध ही इतनी हो गई कि कली का मुख खोल गया। तो कली को बांटना कहां पड़ता है? कली को तो सिर्फ इकट्ठा करना होता है, और इकट्ठा भी करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह सुगंध भीतर से आता है, कली तो मात्र अपना मुख बंद किए रहती। सुगंध इकट्ठी हुई, उसका दबाव बढ़ा और पंखड़ियां खिल गईं। पंखड़ियों ने पंख पसार लिए, फूल बन गए, बांटने के योग्य हो गए। प्रकृति जब कोई बांटने के योग्य हो जाता है तो उसे निर्देश देती है कि तुम बांटो। लेकिन जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो काम धाम कर रहा है, कभी सतोरी, कभी समाधि, कभी अपने अंतरस में उतरा नहीं, और एकाएक बांटना शुरू कर देता है, फिर जो चीज इन्होंने देखी नहीं होती
वो मार्क्स की तरह सीधी सी बात है, नीचे की तरह सीधी सी बात है इनके पास, वो है ही नहीं। तो ये तो वो कबूतर की चाल हो गई कि बिल्ली सामने और आंख बंद कर दी, तो बिल्ली है ही नहीं। बिल्ली होगी तो वहां तक जाने का प्रयास भी करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, अपनी जान बचानी होगी। इन्हीं मूर्ताओं में उलझे उलझे हम सत्संग की व्याख्या कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ है कि तुम्हारा सॉलिडिटी लिक्विफाई हो जाए और तुम्हारी लिक्विडिटी वाष्पीभूत हो जाए, वाष्प बन जाए, तुम पिघल जाओ और पिघल के उड़ जाओ और आसमान में तुम्हें पंख लग जाए और आसमान में नाचो, खुश हो जाओ। खुशी तो तुम वैसे भी बना सकते हो, चार्वाक के शिष्य भी खुशी मनाते, ऋणम कृत्वा घृतम बिभेत यदा जीवेत सुखी जीवेत। किसी भी तल पर तुम खुशी मना सकते हो, लेकिन क्या वो सही खुशी है? फिर ऐसी खुशी तो पशु भी मना लेते हैं। जो कुछ तुम खुशी मनाते हो वह तो पशु भी मना लेते हैं। अगर शादी बंधन है तो फिर पशु और आप में फर्क क्या है? पशु भी तो फेरे नहीं लेते। पशु भी तो मंत्राचार नहीं करवाते, फिर फर्क क्या हुआ? अगर वही वृत्ति अपनानी थी पशुता वाली तो पाशमित्व बंद गए, वो अज्ञानता के पाश में बंधा और आप अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो लेकिन पाश में बंधे हुए हो और व्याख्या कर रहे हो कृष्ण की, और तुम्हारे भेजे में इतनी बात नहीं आती कि कृष्ण के पास तो 16108 और जरा भी बंधन नहीं उस मुस्कुराते चेहरे के ऊपर, एक कच्चे धागे जितना बंधन नहीं है उसके ऊपर। ऐसा मस्त होके बांसुरी बजाता है कृष्ण कि उसकी मस्ती आज तक हवाओं में गुंजायमान हो रही है, उसकी मुरली आज भी बज रही है। कोई सुनने वाला होना चाहिए। मन घट पे मोरी भैया मरोरी, मन घट पे मोरी भैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरे, मैं बोली तो मेरी मटकी फोरे, पैया परूं करूं, पैया परूं करूं, मैं बिनती पर पैया परूं करूं, मैं विनती पर एक न मानी वो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरी। वो काला, वो
काला, एक बांसुरी वाला। कर गयो मन की चोरी रे, सुध विसरा गयो मो रे। ओ काला एक बांसुरी वाला। उसकी बंसरी तुमने कभी सुना? उस मधुर ध्वनि को तुमने कभी हृदय के भीतर उतारा? तुम कभी उसकी याद में रोए? या मात्र रेपिटेशन है क्या? शब्दों का रेपिटेशन स्मरण नहीं होता। सुवर्ण वो जो तुम्हें बाष्पीभूत करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठोस सत्व को समाप्त करते हैं, लिक्विफाई करें और फिर तुम्हें बाष्पीभूत करते हैं। धीरे 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 तुम्हारा समग्र पता ही ना चले कहां चला गया। बना पता चलता है, पानी पानी था, बड़ा पतीला था और आग ने ऐसा वाष्पीभूत किया कि अब तुम ढूंढ के दिखा दो वह पानी है कहां। बस तुम ऐसे ही खो जाते हो और उसे ही सत्संग कहते हैं। अगर सत्संग ऐसा हो तो फिर सही सत्संग है। तुम्हारी अकड़ बट, तुम्हारा ठोसत्व पिघले, द्रवित हो हृदय और तुम वाष्प में तब्दील हो जाओ, तभी तुम हवाओं में नाच कर पाओगे, तभी तुम लुत्फ ले सकोगे आकाश की ऊंचाइयों में झूमने का, नाचने का, गाने का। तो तुम ठोस हुए पड़े पड़े पत्थर की तरह सड़ते रहोगे, तुम भी जरा भी आनंद की लहर ना उठेगी, न तुम नाच सकोगे, न तुम हिल सकोगे, न तुम डुल सकोगे। सत्संग वही जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। तुम ठोस हो, तुम घनी पुंज हो, तुम ऐसे अभिमान के भीतर अपने आप को सिंगोड़ लिए हो कि तुम जरा भी अपने आप को द्रवित नहीं होने देते। अपना वास्तविक स्वरूप तुम बदलना चाहते ही नहीं और फिर कहते हो कि हम दुखी हैं पापा, सुख नहीं है। और फिर तुम सूचनाओं को संग्रहित करते हो और जो तुम्हारी खोपड़ियों को ज्यादा प्रभावित करता है, इंप्रेस करता है, उसे ही तुम आध्यात्मिक मान लेते हो। आध्यात्मिक वो जो तुम्हें सूचनाओं से न भरे, जो तुम्हारी स्थितियों को ट्रांसफॉर्म कर दे, समझे ना बात को, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को न भर, तुम्हारे न्यूरॉन्स को सेटिस्फाई ना करे, जो तुम्हारी बुद्धि को सेटिस्फाई ना करे, बल्कि तुम्हें ही रूपांतरित करते। ये जो प्रश्न करता है इसको ही पंख लगा दे, इसको ही हवा में उड़ने के लिए मजबूर करते। पत्थर कभी उड़ते देखे? उड़ते हैं,
सत्संग के द्वारा पत्थर भी उड़ते हैं, द्रवित होते हैं और द्रवित होकर वाष्पीभूत होते हैं और आसमान में जाकर नष्ट होते हैं। यही तो खुशी है, तुम्हारे पंख लगे नहीं इसलिए तुम्हें ये खुशी मिली न। भर गई खोपड़ियां, भर गए सारे तंतु, टिश्यूज, दिमाग के न्यूरॉन्स, बिला शक अब बड़े से बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे से बड़े ज्ञानी तो कंप्यूटर हैं, जिनमें चेतना भी नहीं। तो ठीक कहा उस बच्चे ने, इस वक्त बर्बाद मत करो, ये तो मेरे पास कैलकुलेटर है। पहाड़े याद करने की जरूरत क्या है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें जवाब बताता हूं और तुम तो सिर्फ पहाड़े टेबल से सिखा रहे हो, तो मुझे कितनी बड़ी से बड़ी गुना, माइनस, तकसीम और प्लस बता दो। मैं अभी तुम्हें एक सेकंड के अंदर उसका जवाब दे देता हूं। जब ऐसा यंत्र है तुम्हारे पास, फिर काहे मेहनत करते हो, काहे घिसवाते हो, न्यूरॉन्स को भरते हो? नहीं, जो करना चाहिए वो करो। क्या करना चाहिए? तुम सीख के आते हो, आनंदित होते हो, भीतर की चेतना, भीतर का रोवा रोवा खुशहाली से भरता है। बस यही है लक्ष्य। या कि तुम्हारी खोपड़ी को अच्छा लगता है, तुम्हारी खोपड़ी को अच्छा लगे ना लगे, तुमको अच्छा लगना चाहिए और तुम यू आर समथिंग एल्स, कुछ और हो तुम, खोपड़ी के अतिरिक्त तुम्हारा कुछ और, तुम कुछ और हो। वहां पहुंचकर जो आनंद आएगा उसको पीने का बड़ा मजा आएगा। ये जो छोटी छोटी बातों में घिसट के तुम छोटे छोटे सवालों के जवाब पूछते हो, तुम क्यों नहीं उस तल पे पहुंच जाते जहां तुम्हें पता चल जाता है कि ये कच्चे बंधनों की बातें पूछना तो मूर्खता था, ये तो मूर्खता था, ये तो छोटे बच्चे की तरह कायदा सीखना था, ए अनार और आ आम। नहीं, छोटा बच्चा इससे विराटतम प्रतिभा को प्राप्त ना हो पाएगा, वो डॉक्टरेट ना कर सकेगा, वो माहिर और दक्ष ना हो सकेगा। दक्ष तो तभी हो पाएगा जब थोड़ा आगे चलेगा, मात्र सूचनाओं को संग्रह करके और ऐसे व्यक्तियों से सूचनाओं को संग्रहित करके जो मात्र आपकी खोपड़ी के प्रश्नों को खोपड़ी से ही समाधान देते हैं। यही तो कृष्ण ने करना चाहा था। मैं कई बार किसी व्यक्ति को पूछ देता हूं कि कृष्ण के ऊपर टीका लिखा, मुझे एक बात का जवाब दोगे? क्या बाबा, तुम क्या समझते हो कि गीता को बोलने में कितना वक्त लगेगा? गीता के प्रश्न पूछने में अर्जुन को और जवाब देने में कृष्ण को कुल कितना वक्त लगा होगा? अगर सहजता से प्रश्न पूछे गए
और उत्तर दिए गए होंगे तो 4 घंटे लगे होंगे। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है? जब शंखनाद हो चुका था तो दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति 4 घंटे का इंतजार करता था। वह ये देख रहा था कि भगवान कृष्ण कब अपना व्याख्यान बंद करें और कब हम लड़ाई शुरू करें। 4 घंटे वो खड़े रहे, नहीं, ये तुम्हारे मूर्ख लोग कहेंगे कि ऐसी विधि बना दी गई भगवान कृष्ण ने कि सभी मूर्त वक्त बैठे रहे, खड़े रहे, जैसे थे वैसे ही खड़े, वक्त का पता ही ना चला। ऐसे ऐसे कपोट शंखों में आपको उलझा देते हैं ये सूचनाओं को देने वाले। 4 घंटे कृष्ण ने लीला सुनाई गीता की और दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति शंखनाद करने के बाद ठहरा रहा और उसने कोई शस्त्र वार ना किया। उसने भीष्म को कहा नहीं कि पिता मैं शस्त्रों की बौछार करता हूं, बाणों से बेन दो इसको, कृष्ण को भी बेन दो और अर्जुन को भी बेन दो। ये क्या तमाशा बना रखा है? जब हमने शंखनाद कर दिया तो उधर से पांचे जन्य का शंखनाद क्यों नहीं हुआ? हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। तत्क्षण उनका प्रत्युत्तर आना चाहिए था, जो तो ऐसा वक्त ही गुजार देंगे, फिर हम लड़ेंगे कब? नहीं, 4 घंटे गीता में लगते हैं बोलने में। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गीता संवाद सिर्फ 7 मिनट में खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया वो आपको समझ नहीं आएगा और वो आपको ये आचार्यगण समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब इनको उस डायमेंशन का ही पता नहीं जिस डायमेंशन में जाके कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, तो ये आपको बताएंगे क्या? ये तो कहेंगे होता ही नहीं है सब। और खोपड़ी बड़ी सत्यवादी है, खोपड़ी प्रखर रूप धारण कर लेती है और खोपड़ी सत्यवादी हो जाती है। लेकिन याद रखना, खोपड़ी सत्यवादी कितनी ही हो रहेगी अज्ञानी ही, क्योंकि खोपड़ी की पहुंच से बाहर है वो जो बोल रहा है। कृष्ण का अंतस खोपड़ी की पहुंच में आता है। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोन एबल। वह जाना भी नहीं जा सकेगा और वह सिर्फ जाना नहीं गया ऐसा नहीं, ये बात तो आइंस्टीन ने भी कही और ये बात तो सर आइजक न्यूटन ने नहीं जाना जा सकता। मैंने सिर्फ कंकड़ और पत्थर 5-4 एक समुद्र के किनारे पर चुने। वाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, जबकि अभी अनंत अनंत ऐसे समुद्र हैं जिनका अभी पता ही नहीं। ऐसे परमात्मा को तुम खोपड़ी के शब्दों के द्वारा व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हो, जेब में डालने की कोशिश कर रहे हो ज्ञान को, प्याला भरकर उस ज्ञान को पिलाने की चेष्टा में संलग्न हो। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं, ये करते भी हैं। ये नहीं कहते कि शादी बंधन है, नहीं, ये खुद भी शादी नहीं करवाता। किया तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन जिस दिन बंधन टूट गया, जिस दिन पता चल गया कि
कि नहीं, कोई बंधन नहीं है। जिसे मैं बंधन समझता था वो है ही नहीं, मेरा होना नहीं है वो। उस दिन मैंने शादी करवा ली 40 वर्ष की उम्र में, लेकिन जब तक मैं उस तत्व को जान नहीं पाया तब तक मैं बंध सकता था। मैं स्वीकार करता हूं और मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं जानूंगा सत्य क्या है, ये कौन था जो आज चमत्कृत कर गया, जिसने मेरी जीवन लीला को बचा लिया, मैं उसे खोजूंगा नहीं तब तक दूसरे काम की तरफ मैं कोई ध्यान नहीं करूंगा। और जिस दिन मेरा संशय निवृत्त हुआ उसके बाद मैंने शादी कर ली। जब तक बंध सकता था तब तक मैं बंधा नहीं, और जब मैं बंध ही नहीं सकता था तब मैं बंध गया, क्योंकि वो बंधन बंधन था ही नहीं, वो तो कच्चे सूत के समान था। भला हथकड़ियां तो हथकड़ियां होती हैं, कभी कच्चे सूत के बंधन भी बंधन हुआ करते हैं। बांधो, क्या मुसीबत है, थोड़ा हाथ मारेंगे टूट जाएगा, यह बंधन थोड़े है। तो फिर जो अभी बंध सकता है वह खुद भी बंधेगा और आपको भी कहेगा कि शादी एक बंधन है, बंध मत जाना। और पशुता में और मानवता में फिर फर्क करो। बस ये इसी बात का दर्शन करता है कि तुम अभी पशुता के लेवल से ऊंचे उठे नहीं। पशु भी अभी पाश में है और तुम भी मानस के जामे में आ गए, तुम भी अभी पाश में हो। पाश से अगर टूट गए होते, पाश से अगर छूट गए होते तो नानक हो गए होते, कबीर हो गए होते। और कृष्ण, फिर तुम हंसते हो, 8 रानियां तो ऑथेंटिक। और अगर आज कृष्ण आ जाए तो उसकी तुम क्या गति करो, ये तुम सोच ही सकते हो। किसी की लड़की भगा लाया और 8-8 शादियां कर दी और इतने इतने बच्चे जन्म दिए, जबकि तुम तो कहते हो कि बस एक ही काफी, और तो माफी। कृष्ण को दंड दोगे आप, अब योग चलाओगे? नहीं, अपनी धारणाओं को तोड़ो, अपने बंधनों के आगाज को तोड़ो। तुम अभी बंधे हुए हो, इस बात को स्वीकार करो। और तुम जब तक बंधे रहोगे तब तक तुम किसी को कुछ व्याख्यान करने के योग्य तो नहीं हो। करते रहो, वो तुम्हें कानून इजाजत देता है। यू आर इंडिपेंडेंट फॉर दैट, तुम उसके लिए स्वतंत्र हो। लेकिन काश ये वक्त जो तुम अपने चेहरे मोहरे को दिखाने में प्रसिद्ध करने में, फिर तो भ्रांति तुम्हारे भीतर भी बनी रही ना कि मैं अमर हो जाऊं, मैं सबसे ज्यादा साहित्य को रचने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो जाए, मैं जहां जाऊं सब मेरे चरण स्पर्श करें, सभी मुझे हाथ जोड़े। नहीं, ये तरीका गलत है। दूसरे को सिर्फ वो ही सिखाए जो सिखाने के योग्य हो जाए। शादी तो अष्टावक्र ने भी की। जिन ऋषियों की बातें आप बताते हो
उन्होंने तो कई कई शादियां की, तो फिर उनके लिए बंधन नहीं हुआ, सिर्फ मात्र आपके लिए बंधन हो गया। आज ही बंधन हो गया, हद हो गया। कोई और कारण से व्यक्ति शादी ना करे तो समझ में आता है, लेकिन शादी एक बंधन है ये समझ में नहीं आता। सत्संग में अगर जाओ तो ऐसी बकवास अगर सुन के आए हो जिससे खोपड़ी ही संतुष्ट हुई और तुम्हारे प्राण संतुष्ट ना हुए, जिसे कबीर कहते हैं तृप्ति, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन कान, जब आवे संतोख धन सब धन धूर समान। जो तृप्त हो जाता है, जो संतुष्ट हो जाता है, जो सेटिस्फाई हो जाता है, वह इन कबाड़ों में पड़ता है ना। तो वह किसी तरह का कोई प्रचार और प्रसार का माध्यम तलाशता है, काहे गरीबों का मुशक्कत से कमाया हुआ धन अपने ही चेहरे को प्रसिद्ध करने में व्यय कर दिया जाए। लेकिन ये लोग बड़े प्यारे प्यारे तर्क देते हैं कि दुनिया आज अंधविश्वास में डूबी हुई है, उनको अंधविश्वास से मुक्ति देनी है। ठीक है, तो बिल्कुल अंधविश्वास से मुक्ति आवश्यक है। अंधविश्वास से मुक्ति मिली तो आज सती प्रथा बंद हुई, अंधविश्वास से मुक्ति मिली तो आज कितनी चीजें समाप्त हुई, छुआछूत समाप्त हुआ, ये कास्टिज्म खत्म हुई। ऐसे ही धीरे धीरे हम सभी अंधविश्वासों को समाप्त कर दें, ये तो शुभ। लेकिन एक अंधविश्वास जो सिर्फ व्यक्ति ही तोड़ सकता है, उस दिशा में तुम क्या प्रयास कर रहे हो? वो अंधविश्वास ही है, सबसे बड़ा अंधविश्वास, जिसकी बिना के ऊपर सारा तुम्हारा भवन टिका हुआ है। ये सबसे बड़ा अंधविश्वास कब तोड़ोगे? और मात्र शब्दों से तो ये टूटता ना, कुछ इसके लिए उपाय करने होंगे। मात्र शब्दों से कैसे टूटेगा कि तुम तो अजर हो, तुम तो अमर हो, तुम कटते नहीं, तुम मरते नहीं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कैसे टूटेगा? और तुम मात्र शब्दों से तोड़ने की चेष्टा करो। यह सबसे बड़ा जो अंधविश्वास तुम्हें है, बाहर के अंधविश्वास को तोड़ो, निश्चित तोड़ो, वह गलत है, तोड़ो। लेकिन भीतर का अंधविश्वास तुम कब तोड़ोगे? जिसके ऊपर तुम्हारी झूठ की सारी बुनियाद खड़ी है, और जिसके ऊपर तुम्हारे दुख की सारी बुनियाद खड़ी है, तुम दुखी हो, इस कारण से दुखी। और देखिए, जिस दिन तुमने ये अंधविश्वास तोड़ दिया, उस दिन तो फिर रैतास की तरह बैठे भजन करोगे। माटी का पुत्रा, माटी का पुत्रा, कैसो नचत है, कैसो नचत है। ये अंधविश्वास कब तोड़ोगे? शादी बंधन है ये सिखाने वाले आचार्य हो,
तुम्हारे ऊपर एक बहुत गहरा बंधन है, इसको कब तोड़ोगे? ये बुनियादी बंधन को कब तोड़ोगे कि ऊपर से लीपापोती करके चले जाओगे? और जब तक तुम इस बुनियादी बंधन को तोड़ने में समर्थ नहीं होते, तब तक तुम कुछ भी, तुम्हारा बोलना व्यर्थ है, कितना ही साहित्य सृजन कर जाओ। तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही हो। सियानों की कतार में आना चाहते हो तो पहले अपना अंधविश्वास तोड़ो। सबसे बड़ा अंधविश्वास व्यक्ति को सबसे पहले खुद होता है। मैं कौन हूं, ये अंधविश्वास टूट गया? अगर टूट गया तो तुम्हें बोलने की क्षमता आई। यू आर लाइबल टू बी स्पीक। अगर नहीं टूटा तो अपनी आत्मा से पूछो। ये टूट गया तो तुम्हें बोलने की क्षमता आ गई। तुम दुनिया को राह दिखला सकते हो, तुम दुनिया के लिए दीपक बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ही बंधन नहीं टूटा कि तुम कौन हो, तो सिर्फ शादी बंधन है ये बतलाकर काम चल जाएगा? वाचस्पति मिश्र को पता ही नहीं चलता कि मैंने शादी करवा ली, और वो अपनी ब्रह्मवाशी के सूत्र के ऊपर लगातार लगे रहते हैं। 30 वर्ष में वो कंप्लीट कर पाते हैं। तब कहीं जाकर उन्हें आखिर में जब फुर्सत मिलती है, ब्रह्मवाशी को पूरा करते हैं, तो वो देखते हैं यह जिसने दीपक बुझाया ये कौन? ये लाल चूड़ा पहने ये कौन? तो उसने वो हाथ पकड़ लिया, कौन हो तुम? उस रोशनाई में अपनी धर्म पत्नी का मुख निहारा, तुम कौन हो? तो उसकी धर्म पत्नी भामती बोली, पतिदेव मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी सेवा में निरंतर हर रात, तुम्हारे काम में कोई बाधा ना पड़ जाए, ईश्वरीय काम तुम कर रहे थे, इसलिए मैं समय समय पर तुम्हें भोजन पानी सब व्यवस्था यहां बैठे बैठे कर देती थी, दीपक जला देती थी, दीपक बुझा देती थी। और वाचस्पति मिश्र को पता भी नहीं था कि मैंने शादी करवा ली। तुमने अभी करवाई नहीं, तुम पहले ही सोच रहे हो कि शादी बंधन। हमारी इस धरती ने ऐसी ऐसी सुगंधियां जन्मक पैदा की हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं। ऐसी उसी महान विभूतियों को जन्म दिया, 30-30 वर्ष तक लिखते रहे, ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते रहे। कहीं गड़बड़ है, देखना पड़ेगा कहां गड़बड़ है। सारी ही गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ नहीं, क्योंकि ये गड़बड़ आती है फाउंडेशन से। व्यक्ति को उपदेशक तब होना चाहिए जब वह खुद को ये समझ ले कि तुम उपदेश देने के योग्य। एक बार अपने बंधन तोड़ के तो देखो, फिर देखो तुम्हें बंधन कहीं नजर आता है? अगर फिर भी बंधन नजर आए तो समझ लेना अभी तुम्हारा बंधन टूटा नहीं, क्योंकि वह वो मुकाम होगा जहां दूसरा रहेगा ही नहीं।
जब व्यक्ति उस दिशा में जाता है और उस दशा को उपलब्ध होता है तो अद्वैत किससे कहते हैं, दूसरा मिट जाता है, वह अकेला रह जाता है, दूसरा आएगा कैसे, दूसरा एक कल्पना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दूसरा तुम्हारे लिए बंधन तब बनेगा अगर दूसरा होगा, अगर बंधन बनता है तो स्पष्ट है कभी दूसरा मिटा नहीं। अद्वैतवाद का सिद्धांत व्याख्यान करने वाले हे आचार्यों, तुम पहले अद्वैत में खुद आ जाओ, तब पता चलेगा अद्वैत का आनंद होता क्या है और वहां बंधन टिकता है या नहीं टिकता है, यह तुम खुद देखोगे, आजमा के देखो। धन्यवाद।